लॉकडाउन का आज 11वां दिन है और इस लॉकडाउन में कोई इसका फायदा ना उठाए, इसके लिए जो वेंडर्स जिनको अनुमति दी गई है वो फल सब्जी निर्धारित रेटों पे बेचे, ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूल ना करें, इसको लेकर लगातार जो मार्केटिंग कमेटी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार 3 दिनों में 20 से ज़्यादा वेंडर्स के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। मार्केटिंग कमेटी के सचिव सत्य प्रकाश जी हमारे साथ में हैं कि वो कार्रवाई उन्होंने क्यों की और आगे किस तरह से रहेगा उनका कि लोग कालाबाजारी ना करें, जो ग्राहक है उनकी जेब पे डाका ना डाला जाए। क्या कहेंगे आप, क्यों कार्रवाई की गई, क्या खामियां पाई गई थी? सर, ये हमने कार्रवाई इसलिए की गई है कि कई जो है वेंडर्स अपनी जगह पर ना बेच के दूसरी जगह पर मनमानी अपनी चला रहे थे, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। ऐसे 20 लोग थे जिन पर हमने कार्रवाई की। तो ये क्या कार्रवाई एक दिन में की गई है या फिर नहीं? ये अलग अलग हमारी कार्रवाई लगातार चौथा दिन है, लगातार हमारी 3 दिन से कार्रवाई जारी है, आगे भी जारी रहेगी। तो जब इनको लाइसेंस दिया गया था तो क्या निर्देश दिए गए थे, किन ब्याप पे इनको लाइसेंस मिला था? इनको इन शर्तों पे लाइसेंस मिला था कि भाई कोई भी अपने जो तय रेट है मार्केट कमेटी द्वारा या प्रशासन द्वारा उससे ज़्यादा रेटों पर नहीं बेचेंगे और जो जगह है वहीं पर बेचेंगे और घूम घूम कर बेचेंगे, ये शर्तों पर दिया गया था। तो जो ये रेट निर्धारित किए, क्या ये लिस्ट एक बार आपने शुरू में बना दी थी या नए रोज रेट आते हैं? हम 2 से 3 दिन में जैसे भी अप एंड डाउन होते हैं तो उसको कर देते हैं। बाकी हमारी कोशिश यही है कि आम लोगों को इस मुश्किल भरे समय में कम से कम रेटों पर, मिनिमम रेटों पर फल और सब्जी मिले, हमारी यही कोशिश है। इसके अलावा जो किराना स्टोर पे उसकी खाद्य आपूर्ति कार्रवाई करता है या आप ही कर रहे हैं उसमें? किराना स्टोर पे खाद्य आपूर्ति विभाग का। तो आगे क्या किस तरह से कार्रवाई रहेगी, क्योंकि अभी समय बाकी है, अभी हमने लोगों की लगातार शिकायतें भी आ रही हैं कि उनके साथ में मतलब उनको निर्धारित रेटों से ज़्यादा उनसे वसूले जा रहे हैं। हमने कार्रवाई करने के बाद अब काफ़ी कम शिकायत आ रही है, कल भी हमारे पास सिर्फ 1 या 2 ही शिकायतें आई थी, आज अभी तक कोई नहीं आई है। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारी कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा, मार्केट कमेटी द्वारा, उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। उसके अलावा भी लोग स्टॉक ना करें, कालाबाजारी ना करें, क्या स्टॉक चेक किया जा रहा है समय समय पर, कहाँ कहाँ आपने अभी तक कार्रवाई की है इस तरह से? उसके लिए सर हमारी टीमें जो है लगातार घूम रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, ऐसी अगर कोई भी मिलती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि जो मार्केटिंग कमेटी के सचिव, उनका साफ कहना है कि लगातार उनकी कार्रवाई जारी है, पहले शिकायतें ज़्यादा आ रही थी लेकिन अब जो लगातार 3 दिनों से जो कार्रवाई की जा रही है उसके बाद में 1-2 ही शिकायत उनके पास आई है। अगर उनके पास और शिकायतें आती है तो वो और कार्रवाई करेंगे और उसके अलावा भी वो खुद भी समय समय पर अलग अलग स्थानों पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।